सिंगरौली में रोलर के नीचे आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है महिला सड़क पर बैठी हुई थी, अचानक रोलर अनियंत्रित हो गया और महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सोलंग निवासी 90 वर्षीय दद्दन रावत नामक महिला रोड पर बैठी थी, वहीं सड़क निर्माण का काम चल रहा था कि अचानक रोलर अनियंत्रित हो गया और सड़क पर बैठी 90 वर्षीय महिला रोलर के नीचे आ गई। रोलर से कुचलकर बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने हादसे के बाद बीच सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया, जहां सूचना पाकर SDOP राजीव पाठक, थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और नाराज ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और रोलर को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। सोलंग से पड़री की रोड बन रही थी, गांव के बीच में ही एक रोड रोलर चलाते वक्त रोड रोलर के ठेके ड्राइवर ने लापरवाही से रोलर चलाया और एक सड़क के किनारे बुढ़िया बैठी थी जिसकी मृत्यु हो गई। उसकी उम्र करीबन 90 वर्ष है, ददनी कोल उसका नाम है, जिसपे हमने चालक के खिलाफ मुकदमा कायम करके रोड रोलर को जब्त किया है। जब कोई सहारा देने का ढोंग करे और वक्त आने पर अंगूठा दिखा दे, आस टूट सी जाती है, जीवन रुक सा जाता है। बेरोजगारी भत्ते के झांसे ने तो बच्चों को काम ढूंढने लायक भी नहीं छोड़ा। वो कैसी सोच थी जिसने बेरोजगारों की उम्मीदें तक छीन ली। बेरोजगार को भत्ते का लालच देकर छल लिया, पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। इस साल जहां एक ओर प्रदेश में बम्पर फसल हुई, वहीं दूसरी ओर देश में लॉकडाउन लग गया, पर फिर भी प्रदेश का किसान संतुष्ट है। और वो केवल इसलिए कि अब शिवराज सरकार है। कोई और सरकार होती तो अब तक खलिहानों में पड़ा गेहूं सड़ गया होता। पर शिवराज मामा ने कहा था, एक एक दाना गेहूं सरकार खरीदेगी। इस बार हमारे मध्य प्रदेश ने पूरे देश में गेहूं खरीद का रिकॉर्ड बनाया है और मेरे खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि भी आ चुकी है। अरे किशन भैया, कहाँ चल दिए बंठन के? बिटिया का लगन है, बाजार जा रहे हैं। कठिनाइयाँ जितनी ज्यादा बढ़ती उससे ज्यादा सरकार आगे बढ़ती। हमेशा भरोसा रहता है कि एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।